हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिस इज अ कंप्यूटर सीरीज फॉर द JYT एग्जाम जो कि अभी एक दो महीने बाद होने वाला है। हमने ऑलरेडी 5 से 6 वीडियोस इसी सीरीज से रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप @elite_academy_rehan हैंडल पर आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं अबाउट द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड है 1980 से लेकर टिल नाउ, यानी कि 1980 से लेकर आज तक जो भी समय चल रहा है 2021, ये सारा 5th जनरेशन में ही आता है। अगर मैं मेन खासियत की बात करूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी 5th जनरेशन में, वो थी ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 4th की बात करूं तो वहां पे यूज हुई थी वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो साइज है वो थोड़ा और बढ़ा दिया गया, यानी कि यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल पे जो है इंटीग्रेशन हुई थी। 3rd में यूज हुए थे इंटीग्रेटेड सर्किट, 2nd में यूज हुए थे ट्रांजिस्टर, एंड 1st में यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब, जो कि आपको याद रखना है। ये जनरेशन है वो बेस्ड है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर के ऊपर एंड AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आजकल के कंप्यूटर या स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे काम वो जो एक ही समय में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन किया है, वहीं पे आप एक ही समय में गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं, एक ही समय में आप वीडियो जो है वो चला सकते हैं, उसी समय आप जो है गेम खेल सकते हैं, यानी काफ़ी सारे काम जो आप एक साथ कर सकते हैं, जो कि आज के समय में एफिशिएंसी और प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा है आज के कंप्यूटर्स में। और मैं बात करूं AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर को आर्टिफिशियली एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, यानी कि कंप्यूटर को ह्यूमन के जैसा दिमाग देना ताकि वो काम जो है खुद ब खुद कर सके। आपने आजकल के स्मार्टफोन देखेंगे जिसमें कि AI फीचर्स पहले से मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई फोटो वगैरह खींचते हैं तो वहाँ पे जो सीन डिटेक्शन होता है, यानी कि वो देख के बता देता है कि ये नेचर की फोटो है, किसी पेड़ की फोटो है, या किसी ह्यूमन बींग की फोटो है, या किसी खाने की फोटो है, तो वो क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है। अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे जो है C++, जावा, .NET, पाइथन, कोटलिन एक्सेट्रा जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस का आज के समय में जो है यूज होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम, यानी कि इंसान, कोडिंग करता है और वो कोड जो है मशीन कोड में कन्वर्ट होता है जिसे कि कंप्यूटर समझता है। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट एडवांटेज है कि इट इज मोर रिलायबल एंड वर्क फास्टर, यानी कि काफी ज्यादा रिलायबल है और काफी ज्यादा फास्ट है। आप इनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल जो लैपटॉप्स हैं वो काफी ज्यादा, मतलब कि आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप उनको कहीं पे भी इजीली ले जा सकते हैं। उनका साइज़ भी छोटा होता है, वो भारी भी नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। वो इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि आप उनमें अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, और वहीं पे डिफरेंट साइज़ में आपको मैंने बताया कि अवेलेबल होते हैं। और साथ ही में जो 5th जनरेशन कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। आजकल के स्मार्टफोन या कंप्यूटर की बात करूं तो आपको हर तरह का जो आइकन्स दिखाई देते हैं वो इंटरफेस का ही हिस्सा होते हैं। यूज़र फ्रेंडली है आजकल का जो स्मार्टफोन होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि जब पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे 3rd जनरेशन में या 4th जनरेशन में, उसमें यूज़र इंटरफेस नहीं होता था, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होते, वहाँ पर सिंपल आपकी स्क्रीन में कोडिंग दिखाई देती थी। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में अगर आपने यूट्यूब खोलना होगा या व्हाट्सएप ओपन करना होगा तो आपके सामने आइकन होता है। अब उस आइकन को देख के पता लगाते हैं कि ये यूट्यूब है, ये व्हाट्सएप का आइकन है। लेकिन अगर आप उस समय की बात करें तो वहाँ पर कोडिंग होती थी, तो जिस बंदे को कोडिंग का नॉलेज होगा वही उस चीज़ को जो है चला सकता है। लेकिन आज के केस में वैसा नहीं है। आपको कोडिंग आती हो या ना आती हो, आप बेसिकली उस जो आइकन दिया उसी पे आप जो है क्लिक करेंगे और वो जो आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। तो ये है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कि कंप्यूटर जो है समझता है। कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज ना समझता, वो हाई लेवल लैंग्वेज जो कन्वर्ट होती है उसके बाद जो है वो कंप्यूटर समझता है। सेकंड जो है कि जो ह्यूमन ब्रेन को जो है काफ़ी ज़्यादा डल बना रहा है आज का कंप्यूटर, आज का स्मार्टफोन, क्योंकि आज का स्मार्टफोन क्या है, हमारी पॉकेट में रहता है, जब मर्जी चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमें आज के समय नंबर जो है आजकल याद नहीं रहता, किसी का भी फ़ोन नंबर है, जस्ट हम जो है ओपन करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट,
वहाँ से जो है डायल करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि आज के समय में नंबर याद रहते हैं, हम सिंपली उसको सेव करते हैं जब जरूरत पड़ती है और ओपन कर लेते हैं। पहले का समय होता था जब टेलीफोन में जब मिलाते थे उस समय इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा होता था कि वो मोबाइल नंबर्स को याद रख पाता, लेकिन आज के समय में कोई याद नहीं रख पाता। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है इंसान को काफ़ी ज़्यादा डल बना दी है। अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस की, तो ये स्मार्टफोन या कंप्यूटर आप इसको एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव काम के लिए। आप इसकी मदद से काफ़ी कुछ जो है सीख सकते हैं। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे जाके आप कोडिंग सीख सकते हैं। जैसे अभी आप जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो ये क्या, ये इसकी ये क्या कर रहे हैं, आप इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसकी एडवांटेज ले रहे हैं। तो ये कुछ थी इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज। आगे बात करते हैं इसके कंप्यूटर्स के बारे में। तो यहाँ के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक या फिर क्रोमबुक। अब डेस्कटॉप वो कंप्यूटर होता है जो कि डेस्क के टॉप पे यानी कि डेस्क के ऊपर रखा था, इसलिए इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप वो होता है जो लैप के यानी कि थाई के ऊपर जो रखा था, इसलिए इसको लैपटॉप बोलते हैं। नोटबुक वो जो नोटबुक के साइज का होता है, अल्ट्राबुक जो कि बड़ा होता है, और क्रोमबुक वो होती है जो गूगल के द्वारा जो निकालता है उसको क्रोमबुक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में काफ़ी सारी कंपनी जो है कंप्यूटर, जैसे HP होगी वो अलग अलग वेरिएंट्स निकालती है, डेल अपने वेरिएंट्स निकालती है, एप्पल होगी वो मैकबुक्स निकालती है, यानी कि अलग अलग तरह की कंपनी जो है आपको डिफरेंट जो मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं, वो चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ MCQs की। सबसे पहले MCQ की बात करूँ तो वो है कि व्हाट इज द मेजर चेंज टेक्स इन द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में सबसे मेजर चेंज क्या आया था, VLSI, USLSI या फिर MLSI? तो वो आया था ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो सबसे मेजर चेंज आया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, तो वो है या तो विंडोज, मैक, लिनक्स या फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबव। तो आपको पता कि आज के समय में ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज इन द फिफ्थ जनरेशन, वो कौन सी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो फिफ्थ जनरेशन में यूज हो रही है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ML यानी कि मशीन लर्निंग। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है फिफ्थ जनरेशन में काफी ज्यादा जो है यूज हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट टेक्स प्लेस इन फिफ्थ जनरेशन, आपको सही है गलत बताना है। अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो सबसे पहले जो इंटरनेट का उपयोग किया गया था वो 1969 के राउंड किया गया था, 1969 के राउंड किया गया था, वो भी US जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। वहां पे यूज किया गया था अर्पानेट और उसमें TCP/IP मॉडल को यूज किया गया था, यानी कि उन्होंने खुद में कोई कम्युनिकेशन करनी थी इसलिए तब यूज किया गया था। लेकिन अगर मैं ह्यूमन परस्पेक्टिव के बात करूं, अगर हमने जो एक्चुअल ह्यूमन ने कब चलाना स्टार्ट किया था 2G, 3G, 4G, तो वो हुआ था फिफ्थ जनरेशन में। तो एग्जैक्ट इसका आंसर बताना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं बात करें कि स्टार्ट कब हुआ था, तब इसका आंसर होगा 1969 के राउंड, तब इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा तेजी कब आई है, तब इसका आंसर होगा ट्रू यानी कि फिफ्थ जनरेशन में। आपको अगर एग्जैक्ट अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो पता हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या कहीं पे भी हैंडल हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया अबाउट द फिफ्थ जनरेशन। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।